मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट वन वीडियो है चैप्टर का। पार्ट वन वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे परमाणु, अणु और आयन, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये परमाणु शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो भारतीय दार्शनिक कनाद, ये देख रहे हैं ना, ये जो भारतीय दार्शनिक थे, ये कनाद है, के मतानुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, शाश्वत और अगोचर कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणुस कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि जो भी पदार्थ होता है और बहुत ही छोटे सूक्ष्मतम और शाश्वत कणों के बने होते हैं, जिसे परमाणुस कहा जाता है ना। इन्होंने इस बात को 600 BC, समझ रहे ना, 600 BC में कहा था, यानी बहुत पहले। यहाँ संस्कृत में परम, परम का मतलब जैसे परमाणुस जो बना है इसमें परम और अणु से बना है, तो परम का अर्थ होता है अंतिम और अणु का अर्थ होता है कण, यानी अंतिम कण। ठीक है, बहुत ही छोटा, मतलब उसके बाद और कोई छोटा कण नहीं हो सकता है। ये परमाणु विभिन्न अनुपातों में संयोग करके पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये परमाणु क्या करते हैं कि विभिन्न अनुपात में संयोग करके पदार्थों का निर्माण करते हैं। जैसे आपको इसमें समझाएंगे ये किस तरह से निर्माण करते हैं। जैसे जल है ना, जल तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलके बना है, तो इसमें ये 1:8 है ना, हाइड्रोजन इसमें 8 1 भाग होगा, तो ऑक्सीजन 8 भाग होगा। इसके बारे में आगे हम लोग अभी समझेंगे। ठीक है, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स और लुसिपस के भी मत ऐसे ही थे, उनका भी मत कुछ ऐसा ही था। इन लोगों ने अंतिम कणों को एटोमस कहा। ठीक है, एटोमस कहा, और एटोमस का भी अर्थ वही होता है जो परमाणु का होता है। ग्रीक भाषा में एटोमस को अविभाजित कहते हैं, मतलब उसके बाद वो विभाजित नहीं होगा, यानी कि सबसे छोटा है इसलिए विभाजित नहीं होगा। किंतु पदार्थ संबंधी उपयुक्त विचारों की सत्यता जानने की कोई प्रायोगिक परिमाण नहीं होने से ये बहुत समय तक मान्य नहीं हो सके, यानी कि इसका कोई प्रमाण नहीं था। ये जितने भी इन लोगों ने कहा है इसका कोई प्रमाण ये लोग नहीं दे पाए, इसलिए ये मान्य नहीं रहा। परंतु 18वीं सदी के अंत में लवाजी, ये जो देख रहे हैं ना लवाजी, और अन्य वैज्ञानिक, तो अन्य वैज्ञानिक में कौन कौन से आ जाएंगे, तो प्राउस्ट थे, ठीक है अभी आगे बताएंगे, प्राउस्ट डाल्टन थे ये लोग, ठीक है, प्राउस्ट डाल्टन, ये सब ने क्या किया कि रासायनिक संयोग के संबंध में कई नियमों का प्रतिपादन किया। इन लोगों ने कई नियमों का प्रतिपादन किया, और वो नियम कौन कौन से थे अब इस चैप्टर में समझते हैं आगे हम लोग चल के। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो लवाजे, प्राउस्ट डाल्टन है ना, जॉल डाल्टन तथा कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप पदार्थ के संघटन और रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में कुछ नियमों का प्रतिपादन किया गया है। यानी कि इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या पदार्थ का जो संघटन होता है, तो उससे संबंधित कुछ नियम प्रतिपादन किया गया है। तत्वों के संयोग से यौगिक के बनने की प्रक्रिया कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है। कहने का मतलब, तत्व मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये क्रिया करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यह एक यौगिक बन गया ना। चलिए तो आगे हम लोग पढ़ेंगे यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो ये सब तत्व है और ये यौगिक है। ठीक है, तो अनुसार होती है जिसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि तत्वों के संयोग से यौगिक के बनने की प्रक्रिया कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है जिसे रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। तो देखिए हमारे पास दो नियम है यहाँ पे दिखाया गया है। पहला नियम है पदार्थ की अनुश्रवणता का नियम, ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ये क्या होता है, तो इस नियम का प्रतिपादन 1774 में लवाजे ने किया था। तो ये रहे आपके लवाजे रहे, प्राउस्ट की बात करें तो प्राउस्ट ये है, और डाल्टन की बात करें तो इसको तो कौन नहीं जानता, आपके बुक में भी देखे होंगे, डाल्टन ये है। ठीक है, तो देखते हैं प्रतिपादन 1774 में लवाजे ने क्या किया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, यानी कि ये जो इधर देख रहे हैं इसको कहते हैं अभिकारक। ये क्या होते हैं, अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको बोलते हैं प्रतिफल। यह है रासायनिक अभिक्रिया जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये है अभिकारक और ये है प्रतिफल। तो अभिकारक का भी जो द्रव्यमान होगा और प्रतिफल का जो द्रव्यमान होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया की फल स्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब इधर जो होगा द्रव्यमान उधर भी वही द्रव्यमान होगा। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट एंड डिफिनिट प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन 1789 में प्राउस्ट ने किया था। तो प्राउस्ट ये रहे ना आपके, इन्होंने किया था। क्या किया था? तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूने एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त रहते हैं। कहने का अर्थ है, जैसे मान लीजिए जल का निर्माण, आप आगे चल के पढ़ेंगे जल का निर्माण इस तरह से रासायनिक क्रिया, तो ये किस तरह से ये बनते हैं, जैसे इसका बैलेंस ही होता है एक, इसका होता है दो, ये क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा H2O। तो जो जल होगा ना, तो जल के जो भी होंगे कोई शुद्ध नमूना, यानी कि इसमें का कोई एक अणु की बात करेंगे जल के, वो सब एक ही तत्व तत्व भार के विचार से क्या होंगे, हम हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही परस्पर संयुक्त रहते हैं। कहने का मतलब अभी आपको बताया ना कि हाइड्रोजन का बैलेंस ही एक है, ऑक्सीजन का दो है, ये क्रिया करके बन गया H2O। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन यानी कि इसका अगर द्रव्यमान की बात करें तो एक होता है, तो दो हाइड्रोजन है तो इनका द्रव्यमान दो हो जाएगा। अनुपात ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु द्रव्यमान, यानी कि ये अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करिएगा तो 1:8 आएगा। तो यह 1:8 में ही संयोग करके ये बने हुए हैं। तो यही लिखा हुआ है किसी रासायनिक अभिक्रिया यौगिक के, है ना, किसी रासायनिक यौगिक के, सॉरी, किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त करते हैं। यानी कि ये 1:8 है अगर जल का, तो इसकी कोई भी एक नमूना लीजिए, कहने का मतलब इसमें से कुछ भी हिस्सा लीजिएगा जल का, तो उनके अंदर भी इसी अनुपात में ये मिले हुए रहेंगे, उसी अनुपात में संयुक्त रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में, है ना। इनका ये मानना था, मान्यताएं थी, इन मान्यताएं में कुछ गलतियां भी हैं, उसको भी हम लोग आगे चल के दूर करेंगे, लेकिन इन्होंने जो अपनी मान्यताएं दी थी उससे हमें बहुत सारे फायदे हुए, इसलिए हम इनके गलत मान्य कुछ इनमें से कुछ गलत भी हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, यानी कि एजम्पशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना, इसीलिए इसका मान्यताएं नाम रखा गया है। ठीक है, ये प्रमाण नहीं हुए तो कुछ इसमें से कुछ गलतियां हैं उसके बारे में भी हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहली मान्यता देखते हैं कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। सूक्ष्म कणों से बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, और ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते। यहां से ध्यान रखेंगे, ये परमाणु क्या होता है, खंडित नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन आगे चल के हम लोग जानेंगे कि खंडित किए जा सकते हैं, लेकिन ये अभी हम लोग समझ लें कि इनका ये मानना था। ठीक, दूसरा क्या था कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणु का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नाश किया जाता है, अर्थात परमाणु अनश्रव्य है ना। कहने का मतलब तो उनको ना आप उसका कोई भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणु का ना तो नाश कर सकते हैं या ना ही उनका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नियम था कि किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। कोई तत्व होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन के सभी परमाणु समान होंगे, अर्थात किसी तत्व के सभी परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण आदि सदृश होता है। यानी इसका आकार जो होगा, इसके परमाणु का जो आकार होगा, द्रव्यमान होगा या रासायनिक गुण होगा, वो सब क्या होगा, सदृश होता है। वैसे ही अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे, मतलब सबका अपना अपना है ना, अपने अंदर, मतलब कार्बन की बात हो रही है तो कार्बन के ही परमाणु का आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण सदृश होता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न आकार, द्रव्यमान, रासायनिक गुण वाले होते हैं। अगर भिन्न भिन्न तत्व है तो इसके परमाणु का द्रव्यमान आकार भिन्न होगा, हाइड्रोजन की अपेक्षा, कार्बन की अपेक्षा अलग अलग होगा, लेकिन इन सब में भी कुछ गलतियां हैं, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। फिर पांचवा बात इन्होंने कहा था कि रासायनिक संयोग में दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक संयोग में क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके क्या बनाते हैं, यौगिक। जैसे आप देखे थे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया था, या फिर ऐसे छोड़िए हाइड्रोजन लीजिए, है ना, ऑक्सीजन लीजिए, इसको देखिएगा तो हाइड्रोजन की बैलेंस शीट 3:1, इसकी 2, ऐसे क्रॉस करेगा H2, ये इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे ये किस तरह निकाल रहे हैं। तो देखिए एक यौगिक बनाए ना,
चलिए ये बात करेंगे आगे हम लोग किस तरह से हम लोग बनाते हैं ये, ठीक। इसमें बैलेंस ही देखी जाती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरलतम शाखिक अनुपात में संयोग करते हैं। जैसे आपको अभी बताया था कि जैसे जल बनता है 1:8 में बना रहता है, ठीक है। 1:8 मतलब 1 भाग हाइड्रोजन होगा, 8 भाग ऑक्सीजन होगा, इस अनुपात में संयोग करता है। एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ है कि एक ही तत्व के परमाणु, मान लीजिए एक ही तत्व के परमाणु, देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण कर रहा है, ऑक्सीजन जो है जल का भी निर्माण कर रहा है, ठीक है। वही कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक अनुपात में, एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्वों के परमाणुओं के साथ एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे चल के अब हम इनके गुणों को देख लेते हैं, फिर इसमें देखेंगे कि इनके दोष क्या है उसको समझेंगे। तो इस सिद्धांत जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत है, इसके गुणों को सबसे पहले जान लेते हैं। तो पहला है कि इस सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। इसे हमें रासायनिक संयोग के जो नियम थे उसकी व्याख्या की जा सकती है। अभी हम लोग इसके बाद उसकी व्याख्या भी करेंगे कि इन सिद्धांत के अनुसार हम लोग रासायनिक संयोग के नियम की कैसे व्याख्या करेंगे, उसके बारे में अभी आगे देखेंगे आप। सर्वप्रथम डाल्टन ने ही तत्व के अंतिम कण यानी परमाणु और यौगिक के अंतिम कण, यौगिक परमाणु या आगे चल के हम लोग यौगिक परमाणु को अणु के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। यौगिक का अंतिम कण जो होता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इन सिद्धांतों की सहायता से रसायन शास्त्र को विकसित करने में काफी सहूलियत हुई। इससे क्या हुआ कि रसायन शास्त्र में विकसित बहुत तेजी से हुआ, ठीक है। इसलिए हम लोग इनके सिद्धांतों को पढ़ते हैं, ठीक। इसलिए इनकी मान्यता कुछ गलत भी है, फिर भी हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष के बारे में। पहला है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता। पहला ही इनका मान्यता था कि परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता, ये अविभाज्य होते हैं। किंतु अब यह प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु को भी छोटे छोटे कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि में विभाजित किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है, समझिए। तो पहले विधारणा इनकी गलत होगी। दूसरा है कि परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, सही नहीं है, ये भी गलत है। तत्व के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले भी होते हैं जिन्हें समस्थानिक कहा जाता है। देखिए समस्थानिक के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि समस्थानिक होता क्या है, ठीक है। आगे चल के इसमें पढ़ेंगे आइसोटोप्स होते क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानेंगे, प्रोटॉन के बारे में भी जानेंगे, न्यूट्रॉन के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आगे हम लोग इसको समझेंगे। पहले ये जान लेते हैं इनके दोष कौन कौन से थे। वैसे समस्थानिक की बात करेंगे तो समस्थानिक वो होते हैं जिनका परमाणु संख्या समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। परमाणु सिद्धांत की मान्यता थी कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं, लेकिन यह हमेशा सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणु समान द्रव्यमान वाले भी होते हैं, है ना, जिन्हें संभारिक कहते हैं। कहने मतलब संभारिक वैसे होते हैं, आइसोबार उसको कहते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान समान होगा लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तत्वों की बात हो रही है, ये अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की बात हो रही है, तो वो संभारिक कहलाते हैं। आगे चल के हम लोग इसमें पढ़ेंगे। चौथा है कि चारकोल, ग्रेफाइड, हीरा, ये तीनों क्या है, कार्बन परमाणु से बना होता है, लेकिन किंतु इनके गुणों में स्पष्ट अंतर दिखता है। आप देखते होंगे चारकोल देखे होंगे, ग्रेफाइट भी देखे होंगे और हीरा भी देखे होंगे, नहीं देखे हम आपको बता दे रहे हैं। तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये देखिए ये चारकोल है, ठीक, ये आपका क्या हो गया, ग्रेफाइट हो गया और ये आपका हीरा हो गया। तो तीनों कार्बन का ही बना हुआ है, कार्बन परमाणु का बना हुआ है, लेकिन ये देखिए तीनों भिन्न भिन्न है ना, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझने में असफलता रहा, है ना, इससे आपको इतने सारे गलतियां निकल गई परमाणु सिद्धांत पे उनके, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, है ना, परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या करेंगे हम लोग। मतलब रासायनिक संयोग का जो नियम है वो हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पे व्याख्या करते हैं उसके। पहला था पदार्थ की अनुश्रवणता का नियम, इस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये एक आपका अभी हम पढ़े थे लोग रासायनिक संयोग का नियम था पहला, और ये दूसरा था। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार इसको पढ़ते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार
परमाणु का नाश नहीं होता है ना, उसका नाश नहीं होता है। अतः अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु अभिक्रिया के पूर्व और पश्चात उपस्थित रहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखे थे कार्बन था, ऑक्सीजन था, अभिक्रिया किए थे कार्बन डाइऑक्साइड था, तो अभिक्रिया के पूर्व है ना जो भी आपके परमाणु मौजूद होंगे और वो अभिक्रिया के बाद भी उपस्थित रहते हैं। चूंकि प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान निश्चित होता है, आप अभी बताए थे देखे थे ना रासायनिक संयोग के नियम के अनुसार कि द्रव्यमान जो होता है निश्चित रहता है, अतः पदार्थ का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पूर्व और पश्चात समान रहता है। इसीलिए पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है, अभिक्रिया के पहले और बाद दोनों समय समान होता है। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान वाले होते हैं, क्या होते हैं, समान द्रव्यमान वाले होते हैं, और ये सरल सांख्यिक अनुपात में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं, है ना। और यही हम लोग इसमें भी देखे थे कि जल था, जल जो था देखे थे ना निश्चित अनुपात के नियम में कि अतः किसी यौगिक परमाणु के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात भी निश्चित होता है। देखे थे ना 1:8 में इनका द्रव्यमान था, ठीक। तो ये दोनों नियम जो पदार्थ के अनुसरणता का नियम और निश्चित अनुपात का जो नियम था, यानी रासायनिक संयोग के जो दो नियम थे, ये हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार समझ लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब परमाणु पर चलते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग परमाणु क्या है, ठीक है। परमाणु क्या होता है, एटम्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। किसी तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है वो क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाता है। अब देखिए जैसे ये चित्र दिखाए हैं, ये एक परमाणु का चित्र है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये यहाँ जो देख रहे हैं तत्व का एक परमाणु देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसमें दिखाया गया है इसके न्यूक्लियस कहते हैं, बीच में जो होता है केंद्र उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे आपको बताए थे कि परमाणु को तीन भाग में बांटा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में रहते हैं और ये कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं चारों तरफ। तो ऐसी कक्षाएं होती है इस पे, जिसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब चलिए परमाणुओं की विशेषताओं के बारे में देख लेते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं किंतु वे अन्य तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं, यानी कि कोई तत्व होगा उसके परमाणु जो होंगे सदृश होंगे। सदृश कहने का मतलब उनका आकार रूप सब एक जैसा होगा। जैसे कार्बन के तत्व हैं तो कार्बन के तत्व के परमाणु जो होंगे तो सब एक दूसरे के आकार द्रव्यमान के बराबर होंगे, लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्वों की बात करें तो उनके परमाणु भिन्न भिन्न होंगे, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए जैसे सोडियम के सभी परमाणु सदृश होते हैं परंतु वे क्लोरीन के परमाणु से भिन्न होते हैं, यानी कि जैसे सोडियम है तो सोडियम के परमाणु जो होंगे सब एक जैसे आकार के होंगे, लेकिन अगर क्लोरीन से इसकी कंपेयर करेंगे तो इसका परमाणु इसके परमाणु से भिन्न होता है। दूसरा है कि तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कोई तत्व है तो तत्व का प्रत्येक परमाणु, जैसे कार्बन है तत्व, कार्बन के तत्व का प्रत्येक परमाणु कार्बन के सभी गुणों को प्रदर्शित करेगा। जो कार्बन का गुण होगा उस परमाणु का भी वही गुण होगा, याद रखेंगे। उदाहरण के लिए सोडियम का प्रत्येक परमाणु सोडियम के सभी गुणों को प्रदर्शित करेगा, है ना। जैसे क्लोरीन का क्लोरीन के गुणों को प्रदर्शित करेगा, वैसे सोडियम का सोडियम के गुणों को प्रदर्शित करेगा। परमाणु के आकार की बात करें तो परमाणु अत्यंत सूक्ष्म गोलीय कण है, ठीक है, बहुत ही छोटा गोलीय कण, मतलब हजारों परमाणु को एक साथ रख भी दीजिएगा तब भी आपको माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, इतना सूक्ष्म, ठीक है। 1000 परमाणु को अगर एक साथ एक माइक्रोस्कोप से देखना चाहे तब, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखना चाहे तो आपको नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। इसे साधारणतः माइक्रोस्कोप में नहीं देखा जा सकता है। अभी आपको बताएं परमाणु का व्यास लगभग 10^-15 मीटर, बहुत ही छोटा, देख रहे हैं ना, यानी 1/15, यानी 1/1 लगा दीजिए, इतना मीटर होता है, इतना छोटा होता है कि हजारों परमाणुओं को समूह में भी नहीं देखा जा सकता है, समझ गए। चलिए यहाँ से आपको ये परमाणु के बारे में कुछ ज्ञान होगा, इसके बारे में डीपली ज्ञान हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें केंद्रक क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना,
न्यूक्लियस जो बात करें उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। इनका खोज कैसे हुआ, कैसे ये हमें पता चला, इसके बारे में वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इनके खोज कौन कौन किए थे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं परमाणुओं और तत्वों के संकेत के बारे में, सिंबल्स ऑफ एटम्स एंड एलिमेंट्स के बारे में। प्राचीन कीमियागर है ना पारस पत्थर की खोज में संलग्न थे। वो क्या करते थे, पहले पारस पत्थर के खोज में लगे थे। पारस पत्थर से रिलेटेड आप बहुत सारी कहानियां भी सुने होंगे। उनका विश्वास था कि इस स्टोन की यानी कि किसकी, पारस पत्थर की सहायता से किसी भी धातु को सोना में परिवर्तित किया जा सकता है, है ना। तो किसी भी धातु को अगर सोना में परिवर्तित हो जाए तो जाहिर सी बात है उसके खोज में सबको ही लग जाएगा। इस कार्य को गुप्त रखने के लिए उद्देश्य में उस समय तक ज्ञात तत्वों को कुछ विशेष संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, जाने लगा, ठीक है। तो प्राचीन कीमियागर थे उस समय, उनको मानना था कि जल और अग्नि को तत्व मानते थे, वो जल ही अग्नि को तत्व मानते थे। जैसे यहाँ देखिए कुछ संकेत दिए गए हैं पहले के, ये डाल्टन द्वारा प्रयुक्त संकेत हैं कुछ, और ये जो है आपके कौन थे, ये अल्केमिस्ट थे, है ना, अल्केमिस्ट द्वारा ये कुछ नियम, ये जो है संकेत प्रयोग किए गए वो दिखाए। देखिए सोना के लिए संकेत ये बनाए, यहाँ सोना के लिए ये डाल्टन बनाए थे, सिल्वर के लिए अलग अलग कुछ संकेत दिए गए हैं, देख रहे ना, ये अजीब तरह के कुछ संकेत बनाए गए थे ताकि दूसरे व्यक्तियों को इसका ज्ञान ना हो सके। सर्वप्रथम बर्जिलियस 1789 में इनका जन्म हुआ, 1848 में इनकी मृत्यु हुई, ने तत्वों का निरूपण आधुनिक तरीके से किया, किंतु इस प्रणाली को स्वीकृत होने में लगभग 100 वर्ष लग गए, इसको मानने में 100 वर्ष लग गए। तो अब ये आधुनिक प्रणाली क्या है, इस प्रणाली में हम लोग किस तरह से तत्वों को संकेत के रूप में लिखते हैं उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। और संस्कृत के विचार से देखेंगे तो संस्कृत के विचार से पांच तत्व थे आपके, है ना, जल अग्नि वायु मृदा और ऊर्जा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग आधुनिक तरीके से समझते हैं कि हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कैसे संकेतों का उपयोग करते हैं तत्वों के लिए, चलिए उसको देखते हैं। तो पहला नियम देखते हैं, पहला नियम क्या है कि तत्वों को अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर संकेत के लिए लिखा जाता है, ठीक है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंग्रेजी के, सबके लिए नहीं, कुछ तत्वों के लिए क्या किया गया, पहला नियम क्या है कि तत्वों के अंग्रेजी नाम, जैसे आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को HYDROGEN है ना, तो हाइड्रोजन का प्रथम अक्षर संकेत के लिए H, कैपिटल H, तो बड़ा अक्षर से ही लिखेंगे, ठीक है। दूसरा बोरॉन है तो बोरॉन का B हो गया, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का O हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया, कार्बन का C हो गया, फॉस्फोरस का S हो गया, सॉरी सल्फर का S हो गया, फॉस्फोरस का पी हो गया, फ्लोरीन का एफ हो गया। तो इस तरह से पहला ये नियम है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका जब दो या दो से अधिक तत्वों के नाम के प्रथम अक्षर एक ही हो, जैसे आप देख रहे थे बेरिलियम यहाँ है और बोरॉन भी था ना आपका, बोरॉन दोनों का प्रथम अक्षर तो एक ही है, तो ऐसी स्थिति में तत्व का नाम प्रथम अक्षर, प्रथम तत्व के नाम का प्रथम अक्षर और उसके बाद का कोई अन्य अक्षर को एक साथ मिलाकर तत्व के संकेत के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे बेरिलियम है तो इसका बी और ए दे दिया गया, कैल्शियम है तो सी और ए दिया गया, बिस्मथ है तो बी आई दे दिया गया, ब्रोमीन है तो बी आर दे दिया गया, सिलिकॉन है तो एस आई दे दिया गया, उस तरह क्रिप्टन है तो के आर दे दिया गया। तो ये प्रथम अक्षर और उसके बाद का कोई अक्षर स्मॉल में लेकर दिखाया गया, क्योंकि कुछ ऐसे भी तत्व थे जिनका प्रथम अक्षर समान था, जैसे बोरॉन हो गया, उस तरह कार्बन का होगा ना, कार्बन, तो कार्बन और कार्बन को भी सी से डिनोट करें और कैल्शियम को भी सी से डिनोट करें तो गड़बड़ हो जाएगा ना, पहचान करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया। तीसरा है कुछ तत्वों को संकेत उनके लैटिन नाम के लिए लिया गया है ना, उनके लैटिन नाम के अनुसार रखा गया है। जैसे अगर सोडियम की बात करें तो लैटिन में उसको नाट्रियम कहते हैं, तो नाट्रियम को Na से सूचित किया गया, ठीक है। पोटेशियम है, पोटेशियम को कालियम कहते हैं तो K से डिनोट किया गया। कॉपर है, कॉपर को लैटिन में कहा जाता है क्यूपरम, है ना, यानी Cu से डिनोट किया गया। आयरन है, आयरन को फेरम से डिनोट किया जाता था, लैटिन में फेरन लिखा जाता है तो Fe से डिनोट किया गया। गोल्ड, गोल्ड को ऑरम कहा जाता है तो Au से डिनोट किया गया। सिल्वर, सिल्वर को अर्जेंटम कहा जाता है इसलिए Ag से डिनोट किया गया। मरकरी को हाइड्रा जायरम कहा जाता है इसलिए Hg से डिनोट किया गया। लेड को है ना
पनबलम कहा जाता है, इसलिए पीबी से डिनोट किया गया। तो ये लैटिन भाषा में इसके नाम है। तो अब हम आपको कुछ तत्व दिखा दे रहे हैं, उसके नाम आपको याद रखने होंगे और उसके संकेत याद रखने होंगे। हम लोग आगे चैप्टर में इसका प्रयोग करके अगले पार्ट में अच्छे से पढ़ेंगे उसके बारे में। तो ये कुछ तत्व है, इनको आप याद रखेंगे नाम, ठीक है। आगे चल के हम लोग इनके परमाणु संख्या, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें आपको कुछ नाम है, इनको याद रखना होगा, ठीक है। आपको रिपीट करा दे रहे हैं, हाइड्रोजन इसको एच से डिनोट करिएगा, हीलियम एच ई से, लिथियम संकेत है एल आई इसका, बेरिलियम को बी ई से, बोरॉन को कैपिटल बी से। तो याद रखेंगे पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है। कार्बन यानी सी से, जैसे अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड लिखना, तो ये कार्बन है और ऑक्सीजन, यहाँ दो चीज दिख रहा है क्योंकि दोनों बड़े अक्षर से हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसे सोडियम हाइड्रोऑक्साइड, तो इसमें कितने तत्व है, तो भैया एक ये सोडियम है, ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, तीन है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को कैपिटल एन से, ऑक्सीजन है तो उसको कैपिटल ओ से, फ्लोरिन को एफ से, नियॉन को एन ई से, सोडियम को एन ए से, मैग्नीशियम को एम जी से, एल्यूमिनियम को ए एल से, सिलिकॉन को एस आई से, फॉस्फोरस को पी से, सल्फर को एस से, क्लोरीन को सी एल से, आयरन को एफ ई से, आर्गन को ए आर से, पोटेशियम को के से, ठीक है। लैटिन भाषा में इसको कालियम बोलते थे ना, कैल्शियम को सी ए से, स्कैंडियम को एस सी से, टाइटेनियम को टी आई से, क्रोमियम को सी आर से, मैग्नीज को एम एन से, कॉपर को सी यू से, लेड को पी बी से, जिंक को जेड एन से, ब्रोमिन को बी आर से, क्रिप्टन को सी के आर से, है ना। अगला है प्लेडियम को पी डी से, सिल्वर को ए जी से, है ना, कैडमियम को सी डी से, मरकरी को एच जी से, बेरियम को बी ए से और टीन को एस एन से। तो इन सब के नाम और संकेत याद रखिएगा तो चैप्टर पढ़ने में आपको सहूलियत होगी, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब प्लीज आप लोग इस नाम को याद कर लीजिएगा और इनके संकेतों को, ठीक है। लगभग आप शुरू के 30 नाम भी याद रखेंगे ना अपने पीरियोडिक टेबल से, आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा उससे आप 30 नाम याद रखिएगा, तो आगे चल के आपको 10 तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं संकेत का महत्व क्या होता है, ठीक है, संकेत का महत्व क्या होता है। तो यदि किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है, यह क्या करता है, यह किसी विशेष तत्व का निरूपण करता है। जैसे हाइड्रोजन लिख दिए तो यह हाइड्रोजन को निरूपण कर रहा है, हीलियम लिख दिए तो हीलियम को निरूपण कर रहा है, तो यह किसी विशेष तत्व को निरूपण करता है। यह तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। अगर मान लीजिए O2 लिख दिए, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु है, ठीक है, तो यहाँ ये संख्या को भी यहाँ व्यक्त करता है। जैसे अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है तो एगो को व्यक्त कर रहा है, हीलियम है तो एगो को व्यक्त कर रहा है, इस तरह से। यह तत्व के एक परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि यह परमाणु द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का अर्थ है संकेत, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का क्या अर्थ है कि यह हाइड्रोजन क्या है, यह तत्व जो है H का अर्थ क्या है, कैपिटल H लिखने का अर्थ है कि यह हाइड्रोजन है, तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है। इसका कहने का मतलब ये अकेले है, एक परमाणु है हाइड्रोजन का, यानी कि हाइड्रोजन का अगर हम लोग एक ग्राम परमाणु की बात करें, अर्थात वो कितना होता है, 1.008 ग्राम होता है, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान 1 के आसपास होता है। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन लिखने का अर्थ है, मतलब H लिखने का अर्थ है कि ये हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है और इसका ग्राम में द्रव्यमान जो होगा 1.008 ग्राम हाइड्रोजन है ये, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में इसका प्रयोग करते हैं, संकेत के प्रयोग से और आसानी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अब इस तरह से लिखे कार्बन डाई, है ना, कार्बन ऑक्सीजन अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन संकेत यूज किए, तो देखिए अब इस तरह से लिखेंगे कार्बन और प्लस दे के ऑक्सीजन, तो पता तो नहीं ना चलेगा भैया, ठीक है। तो ये संकेत के उपयोग से बहुत आसानी हो गई, ठीक है। तो प्लीज आप चैनल को अब सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।